फिर अगर अपने भीतर के अंदर कुनित के भीतर पढ़ना भूल गए रुकू से पहले और रुकू में याद आ गया तो क्या वो रुकू के बाद पढ़ेंगे या सजदा सब करेंगे? कुनूत पढ़ना भूल गए हाँ, भाई का भीतर के सवाल अंदर ये है, कुनूत शेख पढ़ना भूल कुनूत गए। कयाम में अगर कुनूत पढ़ना भूल गए और रुकू में चले गए, रुकू में याद आ गया कि कुनूत नहीं पढ़ा है, तो क्या रुकू से खड़े होकर के पढ़ सकते हैं? और पहली भूल गए अगर बात, तो क्या सजदे सहू हाँ करना पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि कुनूत पढ़ना ये वाजिब नहीं है, कुनूत पढ़ना ये मुस्तहब है। उससे नमाज के सही होने का कोई ताल्लुक नहीं है कि नमाज वित्र उसी वक्त सही होगी जब आप कुनूत पढ़ेंगे। तो कुनूत पढ़ना ये वाजिब नहीं है, आप कुनूत जानबूझ करके भी छोड़ सकते हैं, ये पहली बात। दूसरी बात, आप रुकू से खड़े होकर के भी कुनूत पढ़ सकते हैं, जैसा कि अहादीस के अंदर वारिद है, कबल रुकू और बादर रुकू दोनों साबित है। तो रुकू में जाने से पहले भी कुनूत पढ़ सकते हैं, रुकू से उठ करके भी कुनूत पढ़ सकते हैं। तीसरी बात, मान लीजिए आप भूल गए, आपने पढ़ा ही नहीं, तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई वाजिब चीज नहीं भूले हैं, आपकी नमाज हो गई, सजदे सहू वगैरह की जरूरत नहीं है आपको। बल्कि एक बात मैं और अर्ज करूं यहां पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिमरार के साथ और मुआजबत के साथ कि यानी कभी ना छूटने पाए, ऐसा कुनूते मित्र पढ़ना साबित नहीं है कि कभी ना छूटने पाए। तो लिहाजा शेख अल्बानी वगैरह ने गालिबन इस बात को जिक्र किया है कि कभी पढ़ना चाहिए, कभी छोड़ना चाहिए, मुआजबत इस्तिमरार इस तरह से नहीं करना चाहिए जैसे कि वो वाजिब हो। वाजह है शेख जी। यासिन भाई, आपको जवाब मिल गया होगा। शेख, अगर ये अपने इसमें रुकू से उठते वक्त हाथ उठा के दुआ मांगना, ये कुनूत नाजिला में है कि कुनूत वित्र में भी है? दोनों में है, कुनूते वित्र को कुनूते नाजला पर उलमा ने कयास किया है, हालांकि ये अख्तिलाफी मसला है और इस तरह के मसाइल में उसात होती है। अगर आप उठा करके पढ़ रहे हैं तो आप उस कौल पर अमल कर रहे हैं जो कुनूते नाजला पर कयास करते हैं, और मैं भी इसी को बेहतर समझता हूं कि हाथ उठा करके कुनूते वित्र पढ़ा जाए। और अगर कोई नहीं उठा रहा है तो इंशाल्लाह उसकी नमाज हो जाएगी, उस पर जो है नमाज की सेहत पर कोई असर नहीं उसे।